हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आद्विक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज पॉइंट करना है, आज चैनल और आज है आकाश को बर्थडे और हम लोग आए हुए हैं उसकी बर्थडे पार्टी में। और ये सारे शैतान बच्चे आए हुए हैं, देख रहे हैं आप, कुछ मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। वैसे डेकोरेशन देख के आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। और सुबह पूजा हुई थी और अब वो पार्टी होने जा रही है। मॉर्निंग में मैं आ नहीं पाई हूँ, आज की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने पूजा कैंसिल की है। और इन बच्चों को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, ये ऐसे डिस्टर्ब करने आते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं मुझको। ये देखो, ओह माय गॉड, इतना बड़ा। चलिए आगे का वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ और शुरू से एंड तक वीडियो तक बनी रहिएगा। यहाँ आकाश को देखो, आकाश कितना चालू है, रियांश को मिर्च वाली नमकीन खिला रहा है। डेकोरेशन देखिए कितनी प्यारी है, रेड एंड ब्लैक का डेकोरेशन किया है। ट्रांसपोर्ट का डेकोरेशन कराना था जीजू को, तो जीजू ने बाहर से ही बुलाया था बलून वाला और उसी ने पूरी डेकोरेशन किया। उसने 1000 रुपीज़ लिया ही पूरी डेकोरेशन करने के लिए। डेकोरेशन बहुत अच्छी कर रखी थी, सबको डेकोरेशन बहुत ही पसंद आई। और यहाँ देखिए, यहाँ पर बर्थडे बॉय डांस कर रहा है बेबी शार्क पे और सारे बच्चे साथ में डांस कर रहे हैं। आकाश का आद्विक का फेवरेट सॉन्ग है बेबी शार्क। और ये देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना मज़ा कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए देखिए, ये सब कि नहीं 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 चेंज मत करो, यही गाना चलाओ, मुझे इसी गाने पे डांस करना है। आद्विक इज़ ऑलवेज एक्साइटेड इस गाने पे डांस करने के लिए। और रियांश भी धीरे धीरे उससे सीखता जा रहा है डांस करने बेबी शार्क पर। ये देखिए कितना क्यूटली लगा हुआ है आकाश डांस करने के लिए, और कितना प्यारा लग रहा है। और बच्चे कितने इनोसेंट से होते हैं, डांस करते तो और प्यारे लगते हैं। और रियांश भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेट सी कब तक वो सीखता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे सुशील जी जो हमारी बड़ी बहन के जो हस्बैंड है, उन्होंने दिया है आकाश को साइकिल। और यहाँ देखिए साइकिल का मज़ा कौन उठा रहा है, यहाँ रियांश साइकिल का मज़ा उठा रहा है और आकाश उसको ढकेल रहा है। यहाँ पे चीकू और रियांश रोने लगा था कि मुझे भी झूलना है, तो आकाश नीचे उतर गया और उसको दे दी साइकिल चलाने के लिए। आकाश इज़ वेरी स्वीट बॉय। यहाँ इन लोगों को एक घंटा हो गया है लेकिन ये लोगों की साइकिल से ये लोग उतर नहीं रहे हैं। और यहाँ बच्चों ने गाने चला दिया और हम बच्चे डांस कर रहे हैं। गाना सुना नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए जस्ट ऐसे ही म्यूज़िक नहीं है, म्यूज़िक हटा दिया मैंने। और देखिए कैसे इन्जॉय कर रहे हैं हम। मैं तो पार्टी शुरू होने से पहले ही डांस करने लगी थी और इनको इतना बोला, लेकिन ये बच्चे साइकिल से बिल्कुल नहीं उतर रहे थे। जब सब लोग आ गए थे तब जाके लोग उतरे थे। ये देखिए आद्विक के बर्थडे केक बहुत ही अच्छा था, पूरा ट्रांसपोर्ट का वो दे रखा था, लुक दे रखा था केक को, और ये बहुत ही अच्छा था। और खाने में भी बहुत टेस्टी था, सबको बहुत ही मज़ा आया था खाने में, यमी केक। आद्विक 3 साल का हो गया है। और यहाँ देखिए, यहाँ स्नैक्स खाए जा रहे हैं। ये हमारा दक्षु, अरे बर्थडे बॉय वेट पे और चला गया, सही बंदे को पकड़ा था, कुछ नहीं कहेगा बस। डबल कुछ कह रहे वाले, डबल कुछ कह रहे हैं। अब काट लो, अब मैं जा रहा हूँ, काट लो। आपको सिखाएगा, मैं से पकड़ो पापा। इसका प्यार कर रहे, वो मैं सिखा के केक कैसे काटना पापा। सुनीता सुनीता सुनीता, आकाश चीकू खिलाएगा, आकाश को कह रहा है जो
मिर्ची को खिला दो। सुनीता चिकू ना काशू खिला कर ले जा। देख मुँह पे लगाया। ये तो लग गया अपने में। अपनी मर्जी से खाया, खाया अपनी मर्जी से। आएगा जरूर लेकिन अपनी मर्जी से। यहाँ केक मटर हो रहा है, सबको बैठा जा रहा है। अब बस केक टेस्टी है वैसे, केक अच्छा है। गीत चलो चलो जल्दी खाते हैं। अपनी पंचायतें लगा रखी है, अपनी बातें कर रहे हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं सारे के सारे। ये हमारे बड़े भैया और ये देखो यहाँ देशा लगी हुई है डांस करने में। ये हमने सबको बिठा दिया खाना सर्व करने के लिए कि अभी बैठो खाना आ रहा है, बट खाना अभी अंदर हो रहा है गर्म और यहाँ बच्चे कर रहे हैं इंटरटेनमेंट। रियाज बीच में बैठा हुआ है और कैसे शॉक्ड होकर बैठा है मामाओं के बीच में। ये आया रियाज डांस करने के लिए और ये तो भाग गया। बहुत रात हो गई थी डिनर करते करते, अब सबने पार्टी कर ली है, अब चले हैं सब खाना खाने के लिए। और खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही यम्मी था। जीजू के रेस्टोरेंट से आया था और सबने बहुत इंजॉय करके खाना खाया। यहाँ नील जी वेट पे है, वेटिंग पे है कि मैं आऊँ और रियांश को पकड़ूँ तब अनिल जी खाना खाए। मम्मी जी यहाँ खाना खा रही हैं और खाना सबको वाकई बहुत टेस्टी लगा था। जीजू साथ में रुमाली रोटी भी लाए थे। और ये देखिए यहाँ इन लोगों की पंचायत ही नहीं ख़त्म होती है, जहाँ देखो ये अपना गैंग बना के खड़े हुए हैं। और यहाँ देखिए चल रहा है खाना पीना, दीदी बना रही है पूड़ी। यहाँ रियांश मामा जी के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहा है, यहाँ पे इसको हंसने के लिए बोला। और आप देखिए कैसे कैसे स्माइल कर करके कैसे फेस बना बना के स्माइल कर रहा है, बट ये स्माइल नहीं कर पा रहा है। मामा जी भी परेशान हो गए, कहा जैसे तू कर रहा है वैसे ही कर ले और फ़ोटो क्लिक कर दी। देखिए कितना क्यूट लग रहा है रियांश। और फाइनली जाकर उसने एक ढंग की फ़ोटो क्लिक करवा ली थी और यहाँ पर हमारी दिशा लगी हुई है डांस करने में। बच्चों ने वाकई बहुत एंजॉय किया, डांस किया सब ने, बहुत ही एंजॉय किया पार्टी में।
यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने कितना सारा डांस किया, और मैं डांस इसलिए कर पाई क्योंकि इस बार रियांश मुझसे कम चुपका हुआ था और अपने पापा से ज़्यादा चुपका हुआ था, इसलिए मैं ज़्यादा इंजॉय कर सकी और ज़्यादा नाच सकी। और हम लोगों ने बहुत पागल की तरह डांस किया, जैसे आप देख ही रहे हैं हम कैसे उछल उछल के डांस कर रहे थे। और यहाँ जीजू ने भी इस बार बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। खाने में मटर पनीर थी, सोया चाप थी, दाल मखनी थी, पापड़ पूड़ी और सलाद, रुमाली रोटी, और मीठे में था मूँग दाल का हलवा। बहुत ही अम्मी था, बहुत इंजॉय किया, बहुत ही टेस्टी था। यहाँ बच्चे सर्व करने में लगे थे, कह रहे थे कि हम सर्व करेंगे, और इन बच्चों ने ऐसा सर्व किया कि हमें दोबारा मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सबने खाना खा लिया है, अब हम लोग भी खाना खा रहे हैं। बहुत इंजॉय किया सबने, सिस्टर भी खाई दिए खाना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।